हर हर महादेव। इधर ही लग रहा है ना, कोई आ रहा है जैसे। हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं आके इधर बैठी हूं अभी सड़क पे। सोचा आप लोगों को भी, मेरे साथ आप लोग भी जुड़ जाओ। है ना अच्छा। हरिओम। लवी बैठी है मेरे साथ में। हर हर महादेव। इवनिंग वॉक पे निकले तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जरा वॉक कराएं साथ में। सामने पाइन कोन का एक पेड़ लगा हुआ है, इतने यहाँ पे देख रहे हैं ना आसपास में, मोस्टली सब पाइन कोन्स हैं। और हम लोग रास्ते चलते फूल और पत्ते इकट्ठे करते रहते हैं। अभी ये रास्ते में मिला हमें, हमने उठा लिया। बहुत अच्छा जंगली फूल है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं ये सब जा कर के या तो पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ या स्पेल्स में इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपको बताते हैं, वैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि पाइन कोन्स का इस्तेमाल जो है आप बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ तो ये जैसे हिमाचल में तो ये बहुत कॉमन है, रास्ते में बहुत सारे पड़े हुए मिल जाते हैं, पेड़ से गिरते रहते हैं। इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दिन वीडियो बना के दिखाऊंगी जब मैं बनाती हूँ इसके अलग अलग चीज़ों को, किस तरह से आप बना सकते हैं और घर में रख सकते हैं। अगर मार्केट से भी अवेलेबल है आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जो ऐसे जोन्स में रहते हैं जहाँ पे पाइन कोन अवेलेबल है तो वहाँ से ला कर के एक आध कोई पाइन कोन, और जंगल की जो भी चीज़ें होती हैं जंगल से, मैं आपको एक दिन स्पेशली इसका DIY दूंगी और विद इन अ डे और टू मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए कुछ बना सकते हैं और टू अट्रैक्ट वेल्थ, मनी के लिए कैसे आप बना सकते हैं घर के चारों तरफ, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके ही चीज़ों को बनाया जा सकता है। मैजिक इज़ ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी, क्या अवेलेबल है नेचर से आपको, नेचुरली क्या आपके पास है और आप उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके गुणों के बारे में, उस चीज़ के गुणों के बारे में अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर स्पेल के लिए कर सकते हैं, उस गुण को ध्यान में रखते हुए उस खास एक स्पेल के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको शीघ्र ही इस बारे में बताऊंगी। वैसे मैं आपको पाइन कोन्स दिखाती हूँ, मेरे बिल्कुल सामने लगे हुए हैं। देख रहे हैं ये वाला जो पेड़ है ना, वैसे तो ये देखिए नीचे से पता नहीं कहाँ से ये पेड़ चल रहा है, और ये देखिए कितना बड़ा है। मतलब ये ऐसे लगता है सदियों से यहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं। ये जो सामने लगा है इस पे बहुत सारे पाइन कोन्स हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे ये लगे हुए। ये दिख रहे हैं, हाँ ये पाइन कोन्स हैं जो गिरते रहते हैं, और गिरते हैं तो मैं नीचे से उठा लेती हूँ। तो ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ों से आप कितना कुछ बदल सकते हैं, जैसे कि साइंस भी मानती है अभी कि जो गंगा का पानी है उसमें कुछ तो शक्ति है जिसकी वजह से उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। पानी अगर वो हम घर में ले आते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और अगर उसमें स्नान किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर होते हैं, ये साइंस मानती है अभी। तो इसीलिए हम गंगा स्नान को सबसे पावरफुल स्नान मानते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लिंजिंग मानते हैं वहाँ पर स्नान करने को। इसीलिए घर के अंदर गंगा जल
छिड़का जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल की ताकत से दूर होती हैं, डरती हैं, तो वो दूर हो जाती हैं। तो गंगा जल घर में छिड़कना चाहिए, संध्या वंदन होना चाहिए, या फिर पूजा प्रेयर्स चैंटिंग होनी चाहिए, जिससे ये नकारात्मक ऊर्जाएं घबराती हैं, डरती हैं, दूर रहती हैं। तो ये जब आप इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं तो ये आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाता है, और ये सुरक्षा कवच आपको, आपके लव्ड वंस को, आपकी बिलोंगिंग्स को, आपके स्पेस को, आपके वर्क प्लेस को प्रोटेक्टेड रखता है, एक शील्ड क्रिएट करता है। तो मैं जल्दी आप लोगों को इस बारे में और डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे ही रेंडमली आ गई, बिकॉज हम लोग रास्ते में ऐसे ही बैठे थे, तो मुझे लगा आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि मैं आराम से सड़क पे बैठी हूँ, हम दोनों सड़क पे बैठे हैं, सड़क के किनारे, और तो ऐसी रास्ते में बैठ गए आकर के, क्योंकि इतना अच्छा था, तो यहीं बैठ के हमने कहा आराम से आनंद लेते हैं। नदी की इतनी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, यहाँ ट्रैफिक की कुछ आवाज़ नहीं आती। हाँ, ये नदी मेरे बिल्कुल सामने बह रही है, आप लोग भी देखिए, जिस नदी को मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अभी हम लोग ऊपर पहाड़ पे बैठ के देख रहे हैं। Yeah, this is best. Yeah, nice. So they will also enjoy. Yeah. Hmm? They'll know where you actually sit, you know. Exactly. आप सभी को हर हर महादेव। मैं वैसे जनरली नाम लेती नहीं हूँ, बिकॉज एक का नाम लेते हैं और चार लोगों का नाम लिया उसके बाद बाकी नहीं लिया तो फिर सब नाराज़ हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं सब जो मुझे लिख के भेज रहे हैं आप सभी को मेरा हर हर महादेव, बड़े सप्रेम हर हर महादेव, और खूब खूब आशीर्वाद स्नेह। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ, मुझे भगवान ने कुछ अच्छा दिया है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, किसी भी फॉर्म में करूँ, वर्चुअली से, लेकिन मैं एटलीस्ट आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी ज़्यादा, और निकलना सही भी नहीं है इस टाइम पर। तो आपको, क्योंकि वो पानी की एक, जल की एक ताकत है, क्षमता है कि वो हील करता है, उसको देखने मात्र से पवित्रता आती है मन में। और ये ब्यास नदी है, इनकी सबकी अलौकिक शक्तियां हैं, इन सब नदियों की अलौकिक शक्तियां हैं। ये वही पाइन ट्री है, पाइन कोन्स जिस पर लगे हुए हैं बहुत सारे, देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं कभी कभी बीच बीच में आ करके आपको ये प्राकृतिक दृश्य जो है दिखाती रहती हूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे, कुछ हीलिंग आपको भी हो, यू ऑल्सो फील द सेम दैट आई फील हियर, बिकॉज आई कांट पुल यू टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द स्क्रीन, सो आई शो यू एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू दैट साइड, सो दैट यू कैन ऑल्सो एन्जॉय वॉट आई एम एन्जॉइंग हियर। आई होप आई कुड मेक यू फील मोर बेटर। अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक होती कि आप वो जो फूल मेरे हाथ में होते हैं या कुछ चीज़ होती है उसको फील कर पाते या स्मेल कर पाते कि इसकी कितनी डिवाइन माइल्ड स्मेल है, इसको घर में रखने से इतना अच्छा वातावरण हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी इसका ऑयल बनाऊँ, या पहले इसके गुण जानूँ इस फूल के, और फिर इसके हिसाब से कुछ बनाऊँ। इस माइल्ड, वेरी माइल्ड स्वीट स्मेल है इसका। तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने अगर ब्लेस किया है तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लेसिंग को शेयर करूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा बहुत। अभी मैं जब और बनाऊंगी इस वीडियो को, मैं पूरा करूंगी ये, अभी एक आध दिन में मैं आपको बताऊंगी पाइन कोन्स के फ़ायदे और क्या क्या हैं, और आप उसको किन किन चीज़ों में और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बना के कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो आप घर पे रह के बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको पाइन कोन्स भिजवाऊंगी, बिकॉज सब लोग मुझे बोलेंगे कि आप हमें भी भिजवा दीजिए, हमें भी भिजवा दीजिए। और अभी जो है हमारे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज भी बहुत स्लो हैं, बिकॉज हिमाचल से जो है डाक जो है पूरा घूम के जा रहा है, रूट चेंज किया हुआ है, तो इट टेक्स
lot of time, days to reach, जो 4 दिन में या 5 दिन में पोस्ट पहुंच जाती थी, अब वो 15-15, 20-20 दिन ले रही है, कभी कभी एक एक महीना भी ले रही है, कहीं अटक जाती है, तो ऐसा हो रहा है। तो मैं डेफिनेटली किसी दिन भगवान ने ऐसा सक्षम रखा तो सबको पाइन कोन्स भेजूंगी एक दिन, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप यहीं से देख करके आनंद लीजिए। अगर पाइन कोन्स नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताऊंगी कि अगर वो नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर। एक आध दिन में आऊँगी मैं आपके पास में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत। हर हर महादेव।